हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि हम लोग विट्रीफाइड टाइल में होल कैसे करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग विट्रीफाइड टाइल में ड्रिल कैसे करें। उसके लिए हमने स्पेयर हेड ड्रिल बिट्स या फिर आप कह सकते हैं कि एरो ड्रिल बिट्स यूज करी थी। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि हम होल कैसे करें। यदि आपको 22 mm का होल करना है या फिर 30 mm का होल करना है तो क्या है सही तरीका। और फ्रेंड्स, ये होल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। विट्रीफाइड टाइल में ड्रिल करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए थर्माकोल, ड्रिल मशीन, डायमंड ड्रिल बिट्स और पानी। जो थर्माकोल है वो आप 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक का ले सकते हैं। और यदि आपके पास मोटा थर्माकोल नहीं है तब फिर आप पतले थर्माकोल लेके आपस में चिपका सकते हैं। थर्माकोल यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो हमारी डायमंड ड्रिल बिट्स हैं ये फिसलती नहीं है और ये एक जगह पे रह के ही ड्रिल करती हैं। यदि आप ड्रिल करने के लिए वेरिएबल स्पीड की ड्रिल मशीन लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सिंगल स्पीड की भी ड्रिल मशीन चल जाएगी। और यह है हमारी डायमंड ड्रिल बिट। अगर आप ऊपर का पोर्शन देखेंगे तो यहाँ पर आपको चमकते हुए बहुत सारे आर्टिफिशियल डायमंड्स दिखेंगे। यही डायमंड्स हमारी विट्रीफाइड टाइल को काटते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप डायमंड ड्रिल बिट से टाइल के अंदर होल करें तो पानी का यूज़ करते रहें। यदि आप पानी का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो डायमंड ड्रिल बिट्स है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और जो इसके डायमंड्स हैं ये पूरे झड़ जाएंगे। ये डायमंड ड्रिल बिट्स इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि इनका ऊपर वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। हमारी ड्रिल बिट गर्म ना हो और ऊपर वाला पोर्शन लाल ना हो, इसको रोकने के लिए हम लोग टाइम टाइम पर पानी डालते रहेंगे। और एक लास्ट बात कि टाइल में होल करना एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, आप पेशेंस के साथ होल करिए। तो ये है हमारी विट्रीफाइड टाइल। जरा मैं आपको इसको पीछे से भी दिखाता हूं। तो ये है कजारिया कंपनी की टाइल। जैसा कि आपको मालूम है कि कजारिया कंपनी की जो टाइल्स होती हैं वो थोड़ी सी मजबूत होती हैं बाकी टाइल्स के मुकाबले। तो यहां पर मैंने किया था 10 mm का होल, अब हम एक 20 mm का होल करते हैं। तो यह है हमारा थर्माकोल। जैसा मैंने आपको बताया है कि ये जो थर्माकोल है ये इस बिट को हिलने नहीं देगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं थर्माकोल के अंदर होल। और ये जो ड्रिल बिट्स है यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है, यदि कुछ पत्थर या कुछ फंस जाए तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, बड़े आराम से आप कुछ भी इसके अंदर से निकाल सकते हैं। सपोज अब मुझे यहाँ पर ड्रिल करना है तो मैं यहाँ पर रखूँगा थर्माकोल और यहां पे डालूंगा फिर पानी। पानी डालने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी ड्रिल। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये मेरा बन गया है ड्रिल बिट से निशान। अब मैं विदाउट थर्माकोल भी इसको कंटिन्यू कर सकता हूं। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा ड्रिल हो चुका है और जो टाइल का टुकड़ा है वो इस बिट के अंदर आ चुका है। ये देखिए, और यहाँ पर हो चुका है हमारा होल बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये हमने होल किया है, कुछ पपड़ी नहीं निकली है, कहीं से टाइल उखड़ी नहीं है। कितना खूबसूरत ये होल हुआ है। ये अभी हमने किया है 20 mm का होल, अब हम एक करते हैं 30 mm का होल। मैं इसके अंदर जरा अभी 30 mm की ड्रिल बिट लगा लेता हूं। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, पहले हम थर्माकोल के अंदर होल कर लेंगे। सपोज अब जो 30 mm का ड्रिल है ये मेरे को इस तरफ करना है तो यहां पे मैं रख दूंगा थर्माकोल, फिर हम डाल देंगे इसके अंदर पानी।
एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप लोग पानी बराबर डालते रहिए, अदरवाइज आपके जो डायमंड्स हैं वो झड़ जाएंगे। हमारा हो चुका है होल रेडी। तो ये मैं ज़रा थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ कि जो हमारी विट्रीफाइड टाइल है उसका एक टुकड़ा है वो इसके अंदर आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा एक हमारे पास व्हील निकल के आया है। तो इतनी सुंदर कटाई होती है डायमंड ड्रिल बिट से। ये आप देख सकते हैं ये तीन ड्रिल हमने किए हैं। ये तो खैर मैंने पहले किया था 10 mm का, उसके बाद यहाँ पर मैंने किया है 20 mm का, और फिर यहाँ पर किया है मैंने 30 mm का। इसमें आप 50 mm और 100 mm का भी होल कर सकते हैं। जो 100 mm की डायमंड ड्रिल बिट है वो आपको कुछ 800 से लेके 1100 के बीच में आएगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने कितनी आसानी से थर्माकोल और डायमंड ड्रिल बिट्स की मदद से अपनी इस विट्रीफाइड टाइल के अंदर होल किया है। इन डायमंड ड्रिल बिट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहे तो वहां से भी जाके इनको ले सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मशीन और टूल्स के वीडियो सबसे पहले आप तक आ सकें। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।